हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स मैपिंग। मैट्रिक्स मैपिंग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो गिवन अ मैट्रिक्स ए बिलोंग्स टू आर एम क्रॉस एन से मैट्रिक्स है हमारे पास, एंड अ वेक्टर एक्स बिलोंग्स टू आर एन, आर एन से एक मैट्रिक्स है। और जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, आप देख सकते हो लेक्चर 4 में भी हमने पढ़ा था, वी डिफाइन मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन बिटवीन ए एंड एक्स के बीच में हमने डिफाइन किया था। एंड जो न्यू आउटपुट वेक्टर बना था वो बनता था ए एक्स, जो कि बिलोंग्स टू आर एम बनता था। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। वी डिस्कस दैट वी कुड इंटरप्रेट ए एज अ मैपिंग टेक दैट टेक द आउटपुट वेक्टर एक्स बिलोंग्स टू आर एन एंड प्रोड्यूस द आउटपुट वेक्टर ए एक्स बिलोंग्स टू आर एन। We can therefore associate each matrix A as a vector mapping T belongs to Rn to Rn। तो इस तरह से एक मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं जहाँ पे x जो होगा वो Rn में होगा और Rm जो होगा वो Ax का फॉर्म होगा। तो इस तरह से एक जो मैपिंग है, ये मैपिंग जो है, ये मैपिंग जो कहलाती है वो कहलाती है हमारे पास मैट्रिक्स मैपिंग। यानी इस तरह की कोई मैपिंग जिसमें x जो है वो Rn से है और ए जो है वो एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है। अब एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, जो कि एक्स एक्स क्या है एन क्रॉस वन से, तो जो रिजल्टेड मैट्रिक्स कौन सा आएगा, एन एम क्रॉस वन। तो एम क्रॉस वन का जो मैट्रिक्स आएगा, यानी ये आएगा आर एम से, इसको आर एम से बोल सकते हैं। ये मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स मैपिंग कहलाती है। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि मैट्रिक्स मैपिंग फॉलो करता है, उनमें इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर U और V बिलोंग्स टू आर एन है, U और V बिलोंग्स टू आर एन यानी X के कोई मेंबर है, तो उस कंडीशन में ए यू प्लस वी, तो ए यू प्लस वी जो होगा वो हो जाएगा ए यू प्लस ए बी, यानी कि दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो जाएगा दोनों पे हो जाएगा, तो ए का यू पे और ए का वी पे। और अगर ए सी यू है तो यानी सी जो कांस्टेंट है, यहाँ पे सी कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म जो है वो बाहर आ जाएगी और ए यू आ जाएगा। इन कंडीशंस को फॉलो करता है। अब यहाँ पे एक थ्योरम है हमारे पास, टू अ गिवन मैट्रिक्स ए बिलोंग्स टू आर एम क्रॉस एन एसोसिएट टू द मैपिंग आर टी आर एन टू आर एम डिफाइन बाय द फॉर्मूला टी एक्स बराबर ए एक्स, देन टी इज अ टी इज अ लीनियर मैपिंग। और टी इज अ लीनियर मैपिंग तो क्योंकि ये इन दोनों कंडीशन को फॉलो करता है, हमने अभी देखा कि ये दोनों कंडीशन को फॉलो करता है, तो इन दोनों कंडीशन और लीनियर मैपिंग की कंडीशन भी क्या थी, लीनियर मैपिंग की कंडीशन भी यही होती थी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो टी जो है वो लीनियर मैपिंग होता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, इज द वेक्टर मैपिंग टी आर स्क्वायर टू आर क्यू इज अ लीनियर। अब ये हमें चेक करना है, टी जो है एक्स वन टू एक्स टू, ये इस तरह से टू एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू, तो ये लीनियर है या नहीं। तो इसके लिए, इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, टी एक्स वन एक्स टू को लिख सकते हैं, जो कि टू एक्स वन माइनस एक्स टू, ये इस तरह से इसको लिख सकते हैं कोएफिशिएंट को यहाँ साथ में, तो टू माइनस वन 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 माइनस वन माइनस थ्री एक्स वन एक्स टू। तो ए बराबर क्या आ गए, ए बराबर आ गए हमारे पास ये। अब चूंकि ए बराबर ये है और मैट्रिक्स कौन सी है हमारे पास, टी एक्स बराबर ए एक्स, जो कि लीनियर, जो हमारे पास मैपिंग जो है वो मैट्रिक्स मैपिंग है, मैट्रिक्स मैपिंग, और मैट्रिक्स मैपिंग जो होती है वो लीनियर मैपिंग होती है, यानी इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख पा रहे हैं इसलिए, और ये जो है वो लीनियर मैपिंग होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो मैपिंग है वो लीनियर मैपिंग है विदाउट किसी चेक के। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लेट टी जो है वो आर एन टू आर एम बी है वेक्टर मैपिंग। रिकॉल दैट जो हमने प्रीवियस पढ़ा था, बी बिलोंग्स टू आर एम इज अ रेंज ऑफ टी इफ देयर इज अ सम आउटपुट वेक्टर एक्स बिलोंग्स टू आर एम सच दैट टी एक्स बराबर, अगर कोई बी हमारे पास अवेलेबल हो, तो इन दिस केस जो बी जो है वो कहलाता है हमारे पास, बी इज द इमेज ऑफ एक्स अंडर टी, और दैट एक्स इज मैप टू बी अंडर टी। तो इफ टी इज अ नॉन लीनियर मैपिंग, फाइंडिंग अ स्पेसिफिक वेक्टर एक्स, कोई हमारे पास
एक बी के लिए कोई एक्सप्लिसिट वेक्टर बी मिल ए मिल जाता है सच दैट टी एक्स बराबर बी इज जनरली डिफिकल्ट प्रॉब्लम। इस तरह से कि निकालना ही बेसिकली डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है। हाउएवर इफ टी एक्स बराबर ए एक्स, अगर टी एक्स बराबर ए एक्स है इज अ मैट्रिक्स मैपिंग देन इट इज क्लियर दैट द मैपिंग सच दैट सच अ वेक्टर एक्स इज इक्वलेंट टू सॉल्विंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो ऐसे मैट्रिक्स निकालने के लिए बेसिकली इस तरह के सॉल्व करने के लिए जो एक्स मैट्रिक्स निकालना है तो ये मैट्रिक्स निकालने के लिए जो इक्वेशन ए एक्स बराबर बी इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो एक्स की वैल्यू निकलती है वो हमारे पास मैट्रिक्स होता है। और ये ए एक्स बराबर बी वाली मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब थ्योरम 7.7 है हमारे पास। लेट टी जो है वो आर एन टू आर एम बी एम मैट्रिक्स मैपिंग करस्पॉन्डिंग टू ए दैट इज टी एक्स बराबर ए एक्स देन बी बिलोंग्स टू आर एम इज इन द रेंज ऑफ टी इफ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स इक्वेशन ए एक्स बराबर बी हैज अ सॉल्यूशन। यानी कि कोई बी जो है वो ये वेक्टर है वो बिलोंग्स टू आर एम करेगा अगर उसके लिए ए एक्स बराबर ई यानी इस मैट्रिक्स इक्वेशन के लिए एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। फिर इस थ्योरम को हम प्रूव भी कर सकते हैं। लेट टी ए जो है वो आर एन टू आर एम बी ए मैट्रिक्स मैपिंग दैट इज टी ए एक्स बराबर ए एक्स इस तरह से मैट्रिक्स मैपिंग है। बी प्रोवाइड प्रोवाइड दैट बी प्रूव दैट द आउटपुट वेक्टर ए एक्स इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम ऑफ ए वेयर द कोफिशिएंट इन द लीनियर कॉम्बिनेशन आर द कंपोनेंट ऑफ एक्स। तो अगर ए के सपोज ए के जो वेक्टर्स हैं वो इस तरह से हैं वी वन वी टू डॉट डॉट वी एन एंड द कंपोनेंट्स जो हैं वो हैं हमारे पास एक्स एक्स की फॉर्म में एक्स से एक्स माइनस टू डॉट डॉट एक्स एन देन उस कंडीशन में हमारे पास ए एक्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं बेसिकली ए एक्स को इस फॉर्म में एक्स वन वी वन प्लस एक्स टू वी टू प्लस डॉट डॉट एक्स एन वी एन तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बट ए एक्स बराबर क्या है ए एक्स बराबर क्या है ए एक्स बराबर बी है ए एक्स बराबर बी देयरफॉर द रेंज ऑफ मैट्रिक्स टी ए एक्स बराबर ए एक्स इज तो रेंज ऑफ टी ए बराबर क्या होगा स्पेन यानी इन दोनों का इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इनका इनका लीनियर कॉम्बिनेशन तो स्पेन ऑफ वी वन वी टू वी थ्री। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि ए एक्स बराबर बी है तो यहाँ से हो गए हमारे पास बी बराबर एक्स वन वी वन प्लस एक्स टू वी टू प्लस डॉट 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 एक्स एन वी एन यानी कि एन वी यहाँ पे यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स था ए एक्स बराबर बी का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास यहाँ पे ये आया है। तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं रेंज ऑफ टी ए बराबर जो है वो होती है हमारे पास स्पेन यानी कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन। इन अदर वर्ड द रेंज ऑफ मैट्रिक्स मैपिंग इज द स्पेन ऑफ इट्स कॉलम देयरफॉर इफ बी वन बी टू डॉट डॉट वी एन स्पेन ऑल ऑफ आर एम ये सभी आर एम को इम्प्रूव डिवाइड करते हैं देन एवरी वेक्टर बी बिलोंग्स टू आर एम तो उस कंडीशन में एवरी वेक्टर जो बी बिलोंग्स टू आर एम होगा वो इस रेंज ऑफ टी ए में होगा। तो यहाँ से ये थ्योरम भी हमारे पास प्रूव हो चुकी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक एग्जांपल है लेट ए बराबर ये है बी बराबर ये है इज द वेक्टर बी इज द रेंज ऑफ द मैट्रिक्स टी एक्स बराबर ए एक्स। तो बेसिकली हमें ए एक्स बराबर बी को सॉल्व करना है ए एक्स बराबर बी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ए मैट्रिक्स ये रहा बी ये रहा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ये रहा हमारे ये हमारे पास मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स की एंट्री और ये हमारे पास बी की एंट्री इसको सॉल्व किया सॉल्व करके हमने रो ऑपरेशन डिफरेंट डिफरेंट रो ऑपरेशन से आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो कि किस तरह से बनाते हैं ये तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और ये हमारे पास सिंपली यहाँ पे रो इक्विलिब्रियम मैट्रिक्स जो है वो फॉर्म में चेंज किया हमने तो रो इक्विलिब्रियम मैट्रिक्स यानी कि यहाँ पे वन एंट्री यहाँ पे वन एंट्री यहाँ पे भी वन एंट्री वो कर सकते थे रो इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाएगी लेकिन हमें नॉन जीरो चाहिए तो ये हो गया हमारे पास। अब अगर देखें तो इसकी रैंक क्या है इसकी रैंक क्या है हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो ये थ्री और यहाँ पे भले कुछ भी कम हो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास तो यहाँ पे रैंक जो है वो थ्री है इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन को निकाल भी सकते हैं सॉल्व करके। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके निकालना है। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे।